श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। पार्वती नंदन गणेश को जीवित देखकर वहां उपस्थित सभी लोग आनंद मग्न हो गए और सारा दुख विलीन हो गया। तब हर्ष विभोर होकर सभी लोगों ने उस बालक को पार्वती जी को दिखाया और अपने पुत्र को जीवित देखकर पार्वती जी परम प्रसन्न हुई। कल की कथा में आपने कार्तिकेय भगवान के जन्म से लेकर तारकासुर के वध तक की कथा सुनी। फिर किस प्रकार से भगवान गणेश का जन्म हुआ और भगवान गणेश और शिव का युद्ध किस प्रकार से हुआ। गणेश जी का मस्तक कटने से लेकर मस्तक के वापस जुड़ने तक और उनके जीवित होने तक की संपूर्ण कथा आपने कल सुना और इससे आगे की कथाएं आप आज की वीडियो में सुनने वाले हैं। जब भगवान गणेश जीवित हो गए तो पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें वरदान दिया। तो कौन सा वरदान भगवान गणेश जी को पार्वती जी ने दिया? देवताओं ने उन्हें अग्रपूज्य क्यों माना? शिव जी द्वारा गणेश को सर्वाध्यक्ष का पद किस प्रकार से प्राप्त हुआ और गणेश चतुर्थी व्रत का वर्णन और सभी देवी देवता किस प्रकार से भगवान गणेश की स्तुति करते हैं, ये सारी जानकारी और इससे भी अधिक रोचक कथाएं आप आज की वीडियो में सुनने वाले हैं। इसलिए बहुत भक्तिभाव से सच्चे मन से आज की कथा का श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, जब विकृत स्वरूप वाले गिरजा पुत्र गजानन व्यग्रता रहित होकर जीवित हो उठे तब गणनायक देवों ने उनका अभिषेक किया। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी आनंद मग्न हो गईं और उन्होंने हर्षातिरेक से उस बालक को दोनों हाथों से पकड़कर अपनी छाती से लगा लिया। फिर अंबिका ने प्रसन्न होकर अपने पुत्र गणेश को अनेकों प्रकार के वस्त्र और आभूषण प्रदान किए। तदनंतर सिद्धियों ने अनेकों विधि विधान से उनका पूजन किया और माता ने अपने सर्व दुख हारी हाथ से उनके अंगों का स्पर्श किया। इस प्रकार शिव पत्नी पार्वती देवी ने अपने पुत्र का सत्कार करके उसका मुख चूमा और प्रेम पूर्वक उसे वरदान देते हुए कहा, हे पुत्र, इस समय तुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ा है, किंतु अब तू कृतकृत्य हो गया है। तू धन्य है, अब से संपूर्ण देवताओं में तेरी अग्रपूजा होती रहेगी और तुझे कभी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इस समय तेरे मुख पर सिंदूर दिख रहा है। इसलिए मनुष्यों को सदा सिंदूर से तेरी पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य पुष्प, चंदन, सुंदर गंध, नैवेद्य, रमणीय आरती, तांबुल और दान से तथा परिक्रमा और नमस्कार करके विधि पूर्वक तेरी पूजा करेगा, उसे सारी सिद्धियां हस्तगत हो जाएंगी और उसके सभी प्रकार के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, महेश्वरी देवी ने अपने पुत्र गणेश से यो कहकर उसे नाना प्रकार की वस्तुएं प्रदान करके पुनः उसका अभिनंदन किया। हे विप्र, तब गिरजा की कृपा से उसी क्षण देवताओं और शिव गणों का मन विशेष रूप से शांत हो गया। तदनंतर इंद्र आदि देवताओं ने हर्षातिरेक से शिवा की स्तुति की और उन्हें प्रसन्न करके वे भक्तिभावित चित्त से गणेश देव को लेकर शिव जी के समीप गए। वहां पहुंचकर उन्होंने त्रिलोकी की कल्याण कामना से भवानी के उस बालक को शिव जी की गोद में बिठा दिया। तब शिव जी भी उस बालक के मस्तक पर अपना कर कमल फेरते हुए देवताओं से बोले, यह मेरा दूसरा पुत्र है। तत्पश्चात गणेश ने भी उठकर शिव जी के चरणों में अभिवादन किया। फिर पार्वती को, मुझको, विष्णु को और नारद आदि सभी ऋषियों को प्रणाम करके आगे खड़े होकर उन्होंने कहा, यो अभिमान करना मनुष्यों का स्वभाव ही है, अतः आप लोग मेरा अपराध क्षमा करें। तब मैं, शंकर और विष्णु इन तीनों देवताओं ने एक साथ ही प्रेम पूर्वक उन्हें उत्तम वर प्रदान करते हुए कहा, हे सुरवरों, जैसे त्रिलोकी में हम तीनों देवों की पूजा होती है, उसी तरह तुम सबको इन गणेश का भी पूजन करना चाहिए। मनुष्यों को चाहिए कि पहले इनकी पूजा करके तत्पश्चात हम लोगों का पूजन करें। ऐसा करने से हम लोगों की पूजा संपन्न हो जाएगी। हे देवगणों, यदि कहीं इनकी पूजा पहले न करके अन्य देव का पूजन किया गया तो उस पूजन का फल नष्ट हो जाएगा। उसमें अन्यथा विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तदनंतर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर आदि सभी देवताओं ने मिलकर पार्वती को प्रसन्न करने के लिए वहीं गणेश को सर्वाध्यक्ष घोषित कर दिया। उसी समय शिवजी परम प्रसन्न चित्त से पुनः गणेश को लोक में सर्वदा सुख देने वाले अनेकों वर प्रदान करते हुए बोले, शिवजी ने कहा, हे गिरजानंदन, निस्संदेह मैं तुझ पर परम प्रसन्न हूँ। मेरे प्रसन्न हो जाने पर अब तू सारे जगत को ही प्रसन्न हुआ समझ। अब कोई भी तेरा विरोध नहीं कर सकता। तू शक्ति का पुत्र है, अतः अत्यंत तेजस्वी है। बालक होने पर भी तूने महान पराक्रम प्रकट किया है, इसलिए तू सदा सुखी रहेगा। विघ्ननाश के कार्य में तेरा नाम सबसे श्रेष्ठ होगा। तू सबका पूज्य है, अतः अब मेरे संपूर्ण गणों का अध्यक्ष हो जा।
इतना कहने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, हे गणेश्वर, तू भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था, इसलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभन तथा संपूर्ण सिद्धियों का प्रदाता है। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक मेरे कथनानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेकों प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के दिन भक्तिपूर्वक विधि सहित तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातःकाल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें, पूर्वोक्त विधि से उपवास करें, फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मादार की अथवा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्तिभाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उसकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके दूर्वा दलों से पूजन करना चाहिए। यह दूर्वा जड़ रहित, 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 101 अथवा 21 दूर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप दीप अनेकों प्रकार के नैवेद्य, तांबुल, अर्घ्य और उत्तम उत्तम पदार्थों द्वारा गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उसके आगे प्रणिपात करें। यो गणेश की पूजा करने के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्षपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्टान्न का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्टान्न का ही प्रसाद पाएं। फिर गणेश का स्मरण करके अपने सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होता है। बेटा, यो व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब व्रती मनुष्य को चाहिए कि वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोद्यापन का कार्य भी संपन्न करें। इसमें मेरे आज्ञा के अनुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए कि वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करें। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनाएं, फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करें। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियां और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करें और सादर उन्हें भोजन कराएं। रात में जागरण करें, प्रातःकाल पुनः पूजन करके पुनरागमन के लिए विसर्जन कर दें। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करें, स्वस्ति वाचन कराएं और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करें। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करें। इस प्रकार जो मनुष्य इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। हे गणेश, जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का नाश सदा के लिए हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को, यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत अवश्य कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय ही वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य तेरी सेवा करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, जब शिवजी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वर प्रदान किया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथास्तु कहकर उसका समर्थन किया और अत्यंत विधिपूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिवगणों ने आदरपूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से पूजा अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। हे मुनीश्वर, इस समय गिरिजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ, उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार गणेश के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। हे नारद, शिव और पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। सर्वत्र अनेकों प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदनंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे सभी शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय वे शिव जी की स्तुति करके गणेश और पार्वती की बारंबार प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, यो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरिजा देवी का क्रोध शांत हो गया,
तब शिव जी भी, जो स्वात्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरजा के सन्निकट गए और लोगों के हित की कामना से पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और विष्णु दोनों भक्तिपूर्वक शिव शिवा की सेवा करके शिव की आज्ञा लेकर अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर इस परम मांगलिक आख्यान को श्रवण करता है वह संपूर्ण मंगलों का भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके श्रवण से पुत्रहीन को पुत्र की, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की और प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभाग्य को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री का पुत्र और धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो वह इसके श्रवण से निस्संदेह शोक रहित हो जाता है। यह गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है वह मंगल संपन्न होता है, इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभीष्ट फल प्राप्त कर लेता है। स्वामी कार्तिक और गणेश की बाल लीला, दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद, शिव जी द्वारा पृथ्वी परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, गणेश का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकृत कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ गणेश का विवाह और उनसे क्षेम तथा लाभ नामक दो पुत्रों की उत्पत्ति, कुमार का पृथ्वी परिक्रमा करके लौटना और क्षुब्ध होकर कौंज पर्वत पर चला जाना, कुमार खंड के श्रवण की महिमा। नारद जी ने पूछा, हे तात, मैंने गणेश के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया। हे सुरेश्वर, उसके बाद कौन सी घटना घटी उसका वर्णन कीजिए, क्योंकि हे पिताजी, शिव और पार्वती का उज्जवल यश महान आनंद प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम तो बड़े कारुणिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। हे ऋषि सत्तम, अच्छा अब मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। हे विपेंद्र, शिव और पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख कर महान प्रेम से मग्न रहने लगे। पुत्रों का लाड प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता था और वे दोनों कुमार प्रीतिपूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीलाएं करते थे। हे मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिक और गणेश भक्तिपूरित चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षण्मुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यों विचार करने लगे कि हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए, अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो। हमें तो जैसे सरानन प्यारा है वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। हे मुने, माता पिता के विचार को जानकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यों बारम्बार कहते हुए परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के अधीश्वर वे दोनों दंपत्ति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय लेकर परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, हे सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक ऐसा नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र समान ही प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः हमने तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वो शर्त ये है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, माता पिता की यह बात सुनकर सर्जन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न गणेश वहीं खड़े रह गए। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर बारंबार मन में विचार करने लगे कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी क्योंकि कोस भर चलने के बाद आगे मुझसे चला ही नहीं जाएगा, फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा मैं कैसे पूरा कर सकूंगा। ऐसा विचार कर गणेश ने जो कुछ किया उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। गणेश जी बोले, हे पिताजी, हे माता जी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यहाँ दो आसन स्थापित किए हैं, आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, गणेश की बात सुनकर पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब गणेश ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की
और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। हे बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर थे ही। वे हाथ जोड़कर प्रेममग्न होकर माता पिता की बहुत प्रकार से स्तुति करके बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान गणेश से बोले। शिव शिवा ने कहा, हे बेटा, तू पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करके आ। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और उससे पहले लौटा, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, नियम परायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित होकर तुरंत बोल उठे। गणेश जी ने कहा, हे माता जी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्मरूप और महाबुद्धिमान हैं, अतः धर्मानुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, शिव पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। शिव पार्वती ने कहा, हे पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त इस सप्त द्वीपवती विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, जब शिव पार्वती ने ऐसा कहा तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न गणेश बोले। गणेश जी ने कहा, हे माता जी एवं हे पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई है। धर्म के संग्रहभूत वेदों और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। वे वचन हैं कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ हो जाता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए निकल जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर हो जाने पर प्राप्त हो जाते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री के लिए पति, ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान हैं। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते रहते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह असत्य हो जाएगा तो निस्संदेह वेद भी असत्य हो जाएगा और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा ही समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यूँ कह दीजिए कि वेद शास्त्र झूठे हैं। आप दोनों धर्मरूप हैं, अतः भली भांति विचार करके इन दोनों पक्षों में जो परमोत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी हैं वे पार्वती नंदन गणेश इतना कहकर चुप हो गए। उधर वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव पार्वती गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदनंतर वे यथार्थभाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिवा शिव ने कहा, बेटा तुम महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझमें निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। तूने जो बात कही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिसकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उसका दुख उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिसके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। हे पुत्र, वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जैसी बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात की है वह दूसरा कौन कर सकता है? हमने तेरी वह बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यो कहकर उन दोनों ने बुद्धिसागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को शिवजी के उद्योग का पता चला तब उस पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थीं जिनका नाम सिद्धि और बुद्धि था। भगवान शंकर और गिरजा ने उन दोनों के साथ हर्षपूर्वक गणेश का विवाह संस्कार संपन्न कराया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय शिव और पार्वती का जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। हे मुने, गणेश को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा गणेश के उन दोनों पत्नियों से 2 दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से 6 नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से जिस परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया उसका नाम लाभ हुआ।
इस प्रकार जब गणेश अचिंत सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे, तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को सब समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवा और शिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुक कर क्रौंच पर्वत की ओर चल पड़े। हे देवर से, उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिकेय का कुमारत्व अर्थात कुमारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका राम त्रिलोकी में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृतिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का बिछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी शिवजी से कहा, हे प्रभु, आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। वे आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। हे बेटा नारद, वे दोनों शिवा और शिव भी पुत्र स्नेह से विवल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां शंभु स्वयं पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन पार्वती जी आती हैं। हे मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और गणेश का जो जो वृतांत मुझसे पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा पढ़ाता है एवं सुनता अथवा सुनाता है, निस्संदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र और पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, शिवजी के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला और शिव भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक, शिवजी के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। रुद्र संहिता का कुमार खंड संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए, भगवान कार्तिकेय की जय, भगवान गणपति गजानन की जय, जय जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ, जय मैया पार्वती। तो आज की कथा का यहीं पर समापन करते हैं और कल फिर हम रुद्र संहिता के पंचम खंड का पाठ करेंगे, जो कि युद्ध खंड होगा। तो दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, दोस्त मित्रों के साथ, सोशल मीडिया पर जहां पर भी आपसे संभव हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।